जिले के देहात थाना पुलिस ने झांसी तिराहा आईसीआई बैंक के सामने से चोरी की गई हुंडई वरना कार को जब्त कर लिया है। जी हां, बता दें कि 16 सितंबर को आशीष गुप्ता निवासी झांसी तिराहा की हुंडई वरना कार को घर के सामने से अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे, जिसकी शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 378 24 धारा 303(1) BNS का पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। देहात थाना प्रभारी रत्नेश यादव ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर एक ब्रेजा कार से 4 अज्ञात चोर कार को चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी अभी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि आरोपी लैपटॉप चलाकर किसी भी कार के लॉक को खोल सकते हैं और उनके एक साथी जो कि अभी फरार है अर्जुन पंडित चोरी की गई कारों को पुणे महाराष्ट्र में बेचता है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। एक्चुअली मैं 19 सितंबर 2024 को आशीष गुप्ता शिवपुरी निवासी उनकी एक कार वरना कार चोरी हुई थी, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौड़ साहब के द्वारा तुरंत इसको संज्ञान में लिया जा करके टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को मिली तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एक घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार जो गुजरात नंबर प्लेट पर थी उस पर जो है वर्कआउट किया, तो उस पर वर्कआउट करने पर जो है पुलिस को सुराग मिले और पुलिस हरियाणा तक पहुंची और अमरजीत पुत्र धर्मवीर और शौकीन पुत्र खुर्शीद को पुलिस ने पकड़ा और उनसे पकड़ने पर इस बात का खुलासा हुआ कि ये गाड़ी जो है जो चोरी की गई गाड़ी है पहलवान और मुजाहिद और अल्ताफ जिसका पहले पूर्व में नाम अर्जुन पंडित बताया गया था उनके द्वारा आइडेंटिफाइड की गई कि ये गाड़ी पुणे में फलाने व्यक्ति के पास है। उस पर से पुलिस टीम भेजी गई, पुणे भेजी गई, जहां पर ये क्लियर हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अर्जुन पंडित नहीं है अल्ताफ है और पुलिस ने वहां पर अपना एक मुखबिर मामूर किया और जैसे ही मुखबिर ने सूचना दी कि अल्ताफ उसी तरह की बिल्कुल सेम वरना गाड़ी से जो है वहाँ पर देखा गया है तो पुलिस टीम यहाँ से रवाना की गई तो अल्ताफ के घर पर ही ये वरना गाड़ी मिली जिस पर महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस जो है आशीष गुप्ता जो वरना गाड़ी के मालिक हैं उनकी चाबी यहाँ से लेकर के गई थी, जब चाबी से खोली तो वो गाड़ी खुल गई और फिर उसके इंजन नंबर 33 नंबर का मिलान किया तो पाया कि आशीष गुप्ता की ही वरना गाड़ी है। जो आरोपी पकड़ाए थे उन पर जो है अभी ऐसा बताया गया है कि ये अल्ताफ जो कि पुणे में ब्रोकर है सेकंड हैंड गाड़ियों की डीलिंग करता है, जब ये पकड़ा जाएगा तो पूरा खुलासा होगा कि अभी तक कितनी गाड़ियों का इनके द्वारा इस तरीके से चोरी करके बेची और खरीदी गई है।